मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बताना अपनी बीवी को कि यह घर किसका है और किसके नाम पर है, और यह भी बता दो कि आज के बाद इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वो किन स्वभाव है, वो कुछ भी कह सकता। क्या आप चाची को लेकर चले जाएंगे और हमें भी छोड़कर? एक्चुअली मिसेस सुहेल ये जानना चाह रही थी कि इस बिजनेस और प्रॉपर्टीज में सुहेल साहब के कितने शेयर हैं और आपके कितने हैं, बस इसी तरह की मालूम। चलो जाओ यहाँ से बीबी, माफ कर दो हमें, जाओ यहाँ से, जान छोड़ दो हमारी। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया हमने जो तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो? मेरा भाई ना, मेरा भाई तुम्हारी वजह से परदेश में धक्के खा रहे और तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ फिर आ गई हो। सोनिया बस मेरी एक मिनट बात सुन लो। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने से दूर चली जाओ। हसीन खाला नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन करूंगी। सोनिया हूँ मैं, सोनिया, एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तुम मुझे बस एक रात अपने घर रुकने दो, फिर मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी सोनिया? तोबा भाई तोबा, कौन सी ढीठ मट्टी की बनी हो तुम, समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी एक मिनट शक्ल नहीं देखना चाह रही और तुम पूरी रात रुकने की बात कर रही हो। अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी ना, मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे बालों से खींच कर तुम्हें बाहर निकालूंगी, फिर तुम समझोगी। है सोनिया, सोनिया बेटा देख मेरी बच्ची, मैं तेरे आगे फिर हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्यों बेचारी पे इतना जुल्म कर रही है, एक रात रुकने का ही तो बोल रही है, रहने दे दे, एक रात सच छुपा के यहाँ बैठ जाएगी, जवान जहान है कहाँ जाएगी, सड़कों पे धक्के खाएगी बेचारी। तुम चुप रहो अम्मा, बड़ी हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें इसके साथ, बड़ा ख्याल आ रहा है आज तुम्हें इसका, बड़ी मोहब्बत फूट रही है तुम्हारे दिल में इसके लिए।